नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इसरो जो 2016 के जो असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का पेपर आया था उसका जो मैथ्स का क्वांट का सेक्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। और अगर किसी आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो वहाँ से जाके लाइक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल और बाकी जो एग्जाम्स वगैरह के बारे में अपडेट्स हैं और फ्री जीके वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है जिससे आने वाले टाइम में हम आईबीपीएस पीओ क्लर्क इनके पेपर भी सोल्व करेंगे तो उस टाइम पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि बैंकर्स पॉइंट ने अपना ऑनलाइन कोचिंग इस्टेब्लिश किया हुआ है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाके कोचिंग नहीं कर पाते हैं, वो घर पे बैठ के ही कोचिंग ले सकते हैं। एक अच्छे लेवल की कोचिंग जो आपको सक्सेस के बहुत नज़दीक ले जाएंगी। अगर आप बैंकर्स पॉइंट की ऑनलाइन कोचिंग पे आते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। टारगेट बैच आरआरबी के लिए, पीओ के लिए, क्लर्क के लिए चल रहा है। यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। तो नीचे दी गई वेबसाइट के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या फिर जो ये नंबर दिया गया है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आराम से क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई बैठ के अगर पहले क्वेश्चन में एक प्लस प्लस करना है बस, और इसमें टाइम काफ़ी मिलता है आप लोगों को, तो टाइम की टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, इस क्वेश्चन में अगर कोई बैठ के सबको अलग अलग लिख के ऐसे जोड़ने लग जाए, 44.00 मान लिया, फिर 4.05, तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई सेंस ही नहीं बनता इसका। डायरेक्ट जोड़ो, पॉइंट के आगे की संख्या छोड़ दो। 444 + 44 488, और 4492, और 4496, और 4500, तो 500 पॉइंट कुछ आंसर आएगा और आंसर हो गया ए। आपको पेन टिकाने की भी ज़रूरत नहीं है, माइंड में ही सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर दिए हुए हैं। इसलिए अगर 500 के पॉइंट के आगे भी डिफरेंस के अलग अलग ऑप्शन होते तो फिर मैं अपन पॉइंट की संख्या भी जोड़ लेते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं देगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह दूसरी जगह पूछा है। देखो कितना सिंपल लेवल का क्वेश्चन आता है। अगर थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो, टाइम भी काफ़ी मिलता है, तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है इसरो के एग्जामिनेशन में। तो आप सिंपल क्या कीजिए, 4500 × x कर लीजिए, 3375 कर लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, 3375 / 4500 यही था। आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी एग्जाम के अंदर। अब इन दोनों को काट लीजिए, जितने से जितनी बार काट सकते हो आप लोग काट सकते हैं। 25 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, 25 एक बार चला गया, फिर 8 बचेगा 87, तो 25 + 75, फिर 125 हो जाएगा, तो 135 आ जाएगा, और नीचे 180 आ जाएगा। उसके बाद में आप 15 से काट दीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट 45 से भी कट रहा है। देखो 45 × 90, और 45 × 145, 45 × 90, और 4 बार आ गया, तो आपका जो आंसर होगा वो 3/4 आ जाएगा। तो बस सिंपल आपको काटना था, छोटे नंबर से काट पा रहे हैं छोटे नंबर से काट लीजिए, बड़े नंबर से काट पा रहे हैं बड़े नंबर से काट लीजिए, जल्दी हो जाएगा। बाकी टाइम काफ़ी मिलता है, वहाँ पे ऑफलाइन पेपर होता है, आपके पास कॉपी पेन होता है, आपको वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन के ऊपर आएगा। ऑफलाइन पेपर होता है, आपको OMR फिलअप करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिलता है, और टफ पेपर नहीं आता है, इजी पेपर ही आता है, आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे देखो, यहाँ पे बोले दो बेलनों के मूल का अनुपात 2/3 है। मूल का अनुपात का मतलब होता है आपको रेडियस का अनुपात दे रखा है। R1 / R2 आपको 2/3 दे रखा है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 / H2 आपको 5/3 दे रखा है। दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आप लोगों को चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, 150 लोगों ने लगभग एडमिशन ले लिया है। IBPS PO आ रहा है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, IBPS PO आ रहा है, नोटिफिकेशन आने के बाद में आप ज्वाइन करोगे तो आप और लोगों से कितना पीछे रह जाओगे। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 30% सिलेबस हमारा पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो उनका 30% एकदम क्लियर हो चुका है, शार्प क्लियर हो चुका है, और एकदम 30-30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करने में वो लोग सक्षम हो चुके हैं। तो अगर आप बाद में आओगे तो आप औरों से पीछे रह जाओगे, आप बहुत एक्स्ट्रा हो जाओगे। जब आपके एग्जाम के 2 महीने पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन कोचिंग के अंदर, फिर आपको 2 महीने पूरा रिवाइज करने के लिए मिलेगा। फुल डाउट क्लियरिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि अपन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग में आ जाइए। एक नंबर मैंने पहले भी बताया और एक बार फिर से लिख देता हूँ, इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन। उनके मात्रा आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक सिलेंडर का आयतन क्या होता है, बेलन क्या होता है, यही तो होता है। तो पाई आर इस
स्क्वायर और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो वी वन बटा वी टू क्या होगा, पाई आर वन स्क्वायर एच वन, पाई आर टू स्क्वायर एच टू, पाई से पाई कट जाएगा। आर वन बटा आर टू की वैल्यू कितनी है, दो बटा तीन है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, चार बटा नौ हो जाएगा। एच वन बटा एच टू की वैल्यू पाँच बटा तीन है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बीस बटा सत्ताईस, यानी कि बीस रेशियो सत्ताईस आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। बस बड़ा ही सिंपल है, आराम से कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए बी सी डी एक हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ एक्स हेक्सागन है, हेक्सागन मीन्स ऐसी शेप होती है हेक्सागन की, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए, टाइम काफ़ी मिलेगा, ऑफलाइन है एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस से लिखते हैं हमेशा ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसने पूछ लिया बी बी सी बी सी ई एफ और बी, ये जो आपका आयत आया है, एक बार मैं पेन चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, हाइलाइटर से दिखा देता हूँ। ये जो आपका रेक्टेंगल बना है जिसको मैं अभी येलो कलर के अंदर रंग रहा हूँ, इसका आप लोगों को यहाँ पे एरिया बताना है, ठीक है। इतना टाइम एग्जाम में नहीं लगेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एरिया आप लोगों को बताना है। तो अब देखो इसके एरिया के लिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की एक साइड तो आपको पता है क्योंकि षटभुज है, यहाँ पे हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, तो छः की छः भुजा दो दो फिट की ही होंगी, सारी दो दो फिट की होंगी। तो आपको आयत की एक साइड तो पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको देखो चौड़ाई तो पता है दो, ठीक है, लंबाई और पता करनी है ये वाली। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप एक प्रिपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए इसके ऊपर, ठीक है। प्रिपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल सारे के सारे यहाँ पे होते हैं, ये सारे 120 डिग्री के होते हैं हेक्सागन के अंदर, ठीक है। तो 120 डिग्री का जो एंगल रहेगा, जब आप इसको ऐसे काटेंगे तो वहाँ पे जो एंगल रहेगा वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ये वाला जो एंगल रहेगा वो तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 60 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा चाहिए आपको, ये वाली, ठीक है, ये वाली जिसके ऊपर मैंने रेड कलर का मार्क किया है। तो इसके लिए आप सीधा सिंपल साइन 60 का फॉर्मूला लगा लीजिए। साइन 60 का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, यही होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, ठीक है। तो ई एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, डी की वैल्यू मेरे को दो पता है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 होती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें अपने को निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो दो से दो कट जाएगा, और जो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 3। देखो ई एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3, तो ई सी इसका डबल होगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो गई, 2 गुणा 2 अंडर रूट 3, यानी कि 4 अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो दूसरा मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ये एक ऐसे रेक्टेंगल था, ये एक से ट्राइंगल था, ठीक है। ये यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, और ये वाली भुजा क्या हो गई, दो हो गई। तो ये वाली आराम से निकाल सकते हैं, अगर ये हाइपोटेनियस है तो ये प्रिपेंडिकुलर है और ये बेस है, 60 डिग्री के सामने वाला, सामने वाला क्या होता है, हमेशा प्रिपेंडिकुलर होता है। तो देखो साइन 60 क्या होता है, ठीक है, तो साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण होती है, प्रिपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस होती है। तो प्रिपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको कुछ भी मान ले, तो ए ये कौन सा था, जैसे ई एक्स था, तो जो भी था, तो यहाँ से उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट 3 आ जाएगी, और उसका डबल आप कर दोगे तो लंबाई आ जाएगी, और फिर लंबाई गुणा चौड़ाई कर लीजिएगा। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूलेज होते हैं वो यहाँ पे लगाए हैं, और कुछ भी नहीं किया। देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से ईजिली हो जाएगा। एक संख्या कि सातवीं संख्या 51 है, उस संख्या का 64% क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज है, ठीक है, इसके पहले 1/7 लगा लीजिए,
वन सेवन्थ का मतलब हो गया 1/7, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे प्रिंटिंग में एक संख्या की, ठीक है, सातवीं संख्या 51 है, ठीक है, तो हिंदी में भी चेंज होगा उसी के हिसाब से, ठीक है। एक संख्या की सातवीं संख्या यानी कि एक्स बटा सात इज इक्वल टू 51 है, तो एक्स इज इक्वल टू 51 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 और 357 हो गया। अब उसका 64% निकालना है, तो देखो यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपका, IBPS वगैरह में सारी जगह काम आएगा। 64% निकालना है ना, 64% के लिए देखो कैलकुलेशन टिप्स क्या होती हैं। अब अगर 64/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। अब देखो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो नियर अबाउट भी निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10% निकालने के लिए तो इसका देखो ये हो जाएगा 10%, एक पहले यहाँ पे डॉट लग जाएगा 10% के लिए, तो 10% की वैल्यू 35 × 7 हो गई, तो 60% की वैल्यू क्या होगी, 60 निकाल लो पहले, फिर उसमें 4% और जोड़ देंगे। 10% की वैल्यू 35, एक बार 0.7 को भी छोड़ दीजिए, ठीक है, तो 2% की वैल्यू 70 और 60, 20% की वैल्यू 70 और 60% की वैल्यू 210, 35 के हिसाब से। अब इस 7 का 60, 0.7 का 60% निकाल लो, तो 7 × 6 = 42, तो 4.2 ये आ जाएगा, तो 214.2 तो आ गया इसका 60%। अब ये 10% है 35.7, तो 3.57, एक और 0 इधर लगा दोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, तो 4% लगभग कितना होगा, 12 तीन से मल्टीप्लाई करो, फिर 0.5 का भी कर लो, ठीक है, 7 को हटा दोगे एक बार तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा, 5 × 20 तो 14, तो लगभग 214 में 14 और जुड़ेंगे तो 228, तो माइंड में ही सारा कैलकुलेट कर सकते हो। 357 जैसे ही आपका आया, आपने सोचा, माइंड के अंदर ही सोच लीजिए, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। इसरो में तो फिर भी टाइम मिलता है, लेकिन अगर IBPS PU में यही क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है। 35 × 70 और 70 दिया 210, तो 60% की वैल्यू आ गई, 7 × 6 = 42, तो 4.2 उसमें और जोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 210 और 14, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 210 और 4.2 तो 214 आ गया। 214 में फिर 4% और निकाल लो, लगभग 12 के हिसाब से जोड़ोगे तो आपको पता ही है 228 ही है, लगभग 12 भी जोड़ोगे तो पॉइंटों में भी नहीं जाओगे, तो आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ये कि जैसे 357 का 10% क्या होता है, एक इधर लगा दीजिए, ये तो 10% की वैल्यू आ गई, 1% की निकालनी है तो 1 पॉइंट और इधर लगा दीजिए, फिर उनको वैसे ही करके कैलकुलेट करके जोड़ लीजिए। बाकी ज़्यादा डिटेल में सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैं ऑनलाइन क्लासेज में समझाऊंगा, आप वहाँ पर आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। मैं चलिए नेक्स्ट, यदि किसी संख्या की औसत 10% है, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे बड़ा है मतलब। मोहित और नीतीश एक दूसरे की ओर सुबह 4 बजे, ठीक है, मोहित और नीतीश एक दूसरे की ओर सुबह 4 बजे क्रमशः 5 किमी प्रति घंटा और 3 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हैं। देखो तो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यही आ रहे हैं ना, दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं, इसका मतलब जो स्पीड होती है वो जुड़ जाएगी, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 + 3 = 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और दोनों एक दूसरे से टोटल डिस्टेंस पे कितने थे, 28 डिस्टेंस पे थे, तो 28/8 कर दो टाइम के लिए। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम, तो देखो 8 × 24 4 बचेगा तो 4/8 इसको काट दो तो 1/2 हो जाएगा, यानी 3.5 घंटे यानी 3 घंटे 30 मिनट यहाँ पे लगेंगे। 4 बजे चला था, 3 घंटे 30 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 7:30 हो जाएंगे, AM हो जाएंगे, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 28 सेंटीमीटर पक्ष के एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो 28 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, साइज है वर्ग की, जो स्क्वायर है उसकी सारी की सारी साइड 28 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ होगा ना, ये सर्कल ड्रॉ होगा और इसका जो डायमीटर होगा वो ये होगा 28, ठीक है, ये भी 28 ही होगी, ये पैरेलली खींची जाएगी इसके, तो ये 28 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 28 ही होगी, ठीक है, दोनों भुजाओं के बीच गैप हमेशा बराबर होता है। तो देखो डायमीटर क्या हो गया, 28 हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी, आधी 14 हो जाएगी, तो आप वो निकाल लीजिए,
बाईस बटा सात पाई आर स्क्वायर निकालना है आपको, बाईस बटा सात गुणा चौदह, सात दूनी चौदह, ठीक है, चवालीस मल्टीप्लाई बाई आप क्या करोगे, चवालीस को किससे मल्टीप्लाई करना है, चौदह से। अब देखो यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सेम ऑप्शन है, चार चौक सोलह, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, सिक्स आएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ आपके ऑप्शन डी में, तो पूरा 616 भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक डिजिट को गुणा करने पे ही आप ऑप्शन हटा ले रहे हैं। देखो क्या करना है, 44 गुणा 14 लास्ट आंसर आएगा, तो चार को चार से गुणा करोगे, फोर को मल्टीप्लाई करोगे फोर से, तो सिक्स आएगा, तो देखो एक ऑप्शन में ही लास्ट में सिक्स है, तो वही आंसर हो जाएगा, पूरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बीच में आपको पता चल गया। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे क्या बोल रहा है अब नेक्स्ट, 256 छात्रों के एक जमघट में, जमघट मतलब एक रैली, ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात नौ अनुपात सात है, तो लड़कियों की संख्या पता लगाइए। अब देखो नॉर्मल तो क्या करते हैं, अनुपातों का योग, वही टेंथ क्लास वाले मेथड, वो नहीं करने हैं, अपने को स्टैंडर्ड मेथड से आना है, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन ऑनलाइन क्लास में सिखाया है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यही बताई है कि अपने को ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाना है। ठीक हो, बॉयज़ और गर्ल्स में अनुपात कितना है, नौ अनुपात सात, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 16, लेकिन देखो टोटल अपने को कितना दे रखा है, 256 दे रखा है, तो 16 ना होके ये कितना है, 256 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि 256 आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या पता लगाना है, लड़कियों की संख्या लगाना है, तो लड़कियों की संख्या भी ये लो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो 16 संती 112, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा जो टेंथ क्लास वाला मेथड है, उसमें तो लोग बोलते हैं अनु एक ये होता है टोटल संख्या डिवाइड बाई अनुपातों का योग मल्टीप्लाई बाई जो जिसका अनुपात पूछा है उसका अनुपात, तो आएगा वही ही आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ तो देखो सिंपल चीज़ है, तो यहाँ पे तो एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये अलग ही मेथड है, और ये जब हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे बहुत ईजी कर देता है क्वेश्चन को, तो रेशियो को सोल्व हमेशा ऐसे ही किया कीजिए, जो रियल वैल्यू है उसको रेशियो से कंपेयर करके मल्टीप्लाई फैक्टर एक निकाल लिया कीजिए, वो दोनों जगह अगर आपको बॉय पूछता तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाता 16 बस, तो 144 आ जाता आंसर, ठीक है, तो बॉय पूछ ले गर्ल पूछ ले कुछ भी पूछ ले इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अब देखो ये क्वेश्चन इतना आसान पूछा है ना, एक कॉन्ट्रैक्टर ने कार्य का 5/9, मतलब आप पूरे क्वेश्चन सोल्व करके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्टर ने कार्य का 5/9, एक अन्य ठेकेदार ने अतिरिक्त कार्य के 1/3 को पूर्ण होने से पहले अपना कार्य पूरा किया, काम का कितना भिन्न अपूर्ण रहा, ठीक है, तो सिंपल कुछ भी नहीं था यहाँ पे दिया, एक कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट 5/9 ऑफ वर्क बिफोर ए सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड एन एडिशनल 1/3, ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 1 - 1 काम था टोटल, तो फ्रैक्शन में तो 1 मानते टोटल को, माइनस ये लो इतना काम बच गया है, बस कुछ भी नहीं करना था, माइनस करना था सिंपल, देखो एक इतना काम कर गया एक में से, दूसरा इतना कर गया, तो बच्चे का कितना, एक में से माइनस कर लो, टोटल तो एक ही मानते हैं अपन, ठीक है, अब सिंपली आप इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1/9 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन मतलब काफ़ी, मतलब ये क्वेश्चन आपको दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे किसी दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में तो आपको सिंपली क्या करना है, चार अंकों की एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा आगे, उसमें मतलब काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है वो, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि कैसे मल्टीप्लाई वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल देखो क्या है इस क्वेश्चन में, तो बताने के चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 78 से डिवाइड होती है, देखो सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करो, समझदार यही है, सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करो, एक एक ऑप्शन को ट्राई मत करो, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले डिवाइड करो, जो हो जाए देखो ये वाली संख्या तो होगी नहीं क्योंकि विषम संख्या है ये, तो सम से डिवाइड नहीं होगी, कैंसिल कर दिया, ठीक है, नीचे आ गए, ठीक है, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि विषम संख्या सम संख्या, लेकिन ये 4/9 डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका नेक्स्ट आ जाता है 9988, इसको मैं 78 से जब डिवाइड करता हूँ, तो देखो एक बार करूँगा मैं, 78 चला गया तो 79, तो 21 बचेगा 218, ठीक है, 218 के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 78 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 80 × 160 में से 156 बचेगा, दो बार चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके फिर ये 8 बार और पूरा चला जाएगा इसके अंदर, तो ये आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, अगर आप पूरा डिवाइड करके नहीं देखना चाहते 78 से, इसको 4 से काट लीजिए, फिर 2 से काट लीजिए, काट के देख लीजिए कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, तो इसमें सीखने वाली कोई बात नहीं है, टाइम भरपूर है आपके पास, इसरो के एग्जाम में टाइम की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आराम से डिवाइड करके देखते रहना वहाँ पे चारों नंबर को, कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत ही नहीं है।
हाँ, अब देखो HCF और LCM का कॉन्सेप्ट रेलवे में भी आता है, यहाँ पे भी बहुत बार पूछा जाता है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे क्या है। HCF क्या होता है सबसे पहले तो ये देख, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, उससे बड़ा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, जो अपने को यहाँ पे कितना दिया गया है, 23 दिया गया है। और LCM होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, LCM हो गया आपका 13 और 14। ठीक है, यहाँ पूछा है उन दो संख्याओं में बड़ा कौन है, दो संख्याएं हैं उनका HCF दे दिया और LCM भी दे दिया, तो दोनों संख्या क्या होंगी, एक संख्या तो 23 गुणा 13 हो जाएगी और एक संख्या 23 गुणा 14 हो जाएगी, बस यही तो होगा। ठीक है, तो एक की जो वैल्यू आएगी 299 आ जाएगी और एक की वैल्यू आ जाएगी वो 322 आ जाएगी। इनमें से क्या पूछा है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 322 है, तो वो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे जब दुगुना किया जाए तो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित होती है। इसमें तो कुछ भी नहीं किया करना है, दुगुना करना है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 196 से स्टार्ट करो आप। ठीक है, जब दुगुना किया जाए तो 12, 18 इसका दुगुना करो, ठीक है, तो 400 में से 8 कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप जब इसको दुगुना करते हैं तो देखो 196 को 2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आपके लिए टेढ़ा हो सकता है, लेकिन सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 196 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 200 दुनी 400, 400 में से 8 कम कर लो, 392 हो गया। अब 392 को 3 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है, अब 630 को 3 से डिवाइड करके देख लो, जो आपका आंसर आ जाएगा वो 630 आ जाएगा, 630 में दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड है, सिंपल है, इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है, टाइम काफ़ी होता है, आराम से डिवाइड करके देखते रहो एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, एक कैंप में 120 आदमी थे, 200 बच्चे, 120 आदमी या 200 बच्चे के लिए, यानी कि जो खाना था ना वो या तो 120 आदमी खा सकते हैं या 200 बच्चों खा सकते हैं। ठीक है, उपलब्ध है, यदि 150 बच्चों ने खाना खाया तो बाकी बचा खाना कितने आदमियों ने खाया। ठीक है, तो देखो 120 आदमियों का खाना, ठीक है चलो दो ऐसे निकालते, 200 बच्चों के खाना कितने आदमियों के बराबर है, 150 आदमियों के बराबर है, तो एक बच्चे का खाना कितने, यहाँ पे कितना था, 120 था, 120 था, तो एक आदमी एक बच्चे का खाना कितने बच्चों के बराबर है, ठीक है कितने लोगों के बराबर है, तो देखो 120 बटा 200। देखो दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है कि एक कैंप लगा हुआ है, उसके अंदर आपको आदमी और बच्चे दोनों का खाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 150 बच्चों ने खाना खा लिया, तो बाकी बचा खाना कितने आदमियों ने खाया, तो मैं यहीं पे बता रहा हूँ आप लोगों को, 200 बच्चों का खाना 120 आदमियों के बराबर है, तो एक बच्चे का खाना 120 बटा 200 आदमियों के बराबर है, यही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बच्चे बच गए, 50 बच्चों के बराबर खाना बचेगा यहाँ पे, तो वो कितने आदमी खाएंगे, 150 बच्चों ने दिखा लिया है, तो 50 बच्चों का खाना किसके बराबर होगा, बटा 200 गुणा 50, ये 4 कट गया, तो 30 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो समझने वाली बात यही है कि 200 आदमियों बच्चों का जो खाना है वो 120 आदमियों के बराबर है, बाकी कुछ भी यहाँ पे समझने लायक नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें हैं सारी की सारी। कुछ क्वेश्चन बच गए, मैं सोच रहा था इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊं, लेकिन इसी पार्ट में अपन लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं दी गई तो वैल्यू मान लो आप, कुछ भी नहीं करना है। देखो एक टोलियो को विरंजित किया गया, विरंजन के उपरांत यह पाया गया कि उसकी लंबाई 20% समाप्त हुई और उसकी चौड़ाई 10% समाप्त हो गई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग माननी है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, पहले मैं लंबाई मान रहा था 20 और चौड़ाई मान रहा था 10। ठीक है, अब देखो लंबाई के अंदर 20% कमी हो गई, तो 20 का 20% 4 हो गया, तो लंबाई तो 16 हो गई और उसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 9 हो गई। तो देखो यहाँ पे जो एरिया था वो तो 20 गुणा 10 था, लंबाई गुणा चौड़ाई 200, और यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो 16 गुणा 9 यानी कि 144 हो जाएगा। दोनों में देखो कितना प्रतिशत कुल क्षेत्र में कमी हो गई, तो कितनी कमी हो गई, 56 की कमी हो गई, कितने पे, 200 पे कमी हो गई, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, इजीली जो आपका आंसर है वो 28% आ जाएगा, ये लीजिए 28%। ठीक है,
कुछ भी नहीं था, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। ये घड़ी वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप घड़ी बना के ही देख लीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, देखो घड़ी कैसे होती है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये रही घड़ी, ठीक है, इसके ये चार हिस्से होते हैं, यहाँ पे 12 बजते हैं, फिर यहाँ पे 3 बजते हैं, 6 बजते हैं, 9 बजते हैं, तो इनके बीच में कितने हिस्से होते हैं, हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक दो, इसमें 4 5, इसमें 7 8, इसमें 10 और 11। अब देखो यहाँ से जो यहाँ तक का एंगल होता है वो तो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो बीच में कितने हिस्से हो गए, एक दो तीन, तीनों बराबर हिस्से, तो एक हिस्से का एंगल 30 डिग्री हो गया ना। अब बोल रहा है 8 बजे से चलाओ और कितने बजे पे पहुंचा, 2 बजे पे, तो 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट वहां पे कंप्लीट कर लिए उसने, और एक सेगमेंट की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, 30 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री, सिंपल। दूसरा आप ये भी देखेंगे, अगर और तरीके से देखना चाहे तो 8 और 2 एकदम से आपस में अपोजिट साइड में आता है, तो अपोजिट साइड वालों के बीच में तो एंगल हमेशा एक लीनियर बनता है, तो 180 डिग्री ही बनता है, तो वैसे भी जा सकते हैं, कैसे भी देख लीजिए, बस देखने का तरीका है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं, 5 3 6 में लुप्त, ये वाला देखो, पहले तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल देखो, इसमें ऑप्शन से ट्राई करना होता है अपने को। ठीक है, तो देखो पहले बोर्ड मास का रूल आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन में सिखाया जाता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ा है और आपका जो ऑनलाइन क्लास है वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया, प्लस 6, ठीक है, तो 21 हो गया, तो पहला ऑप्शन ही सेट हो गया इसके अंदर, तो पहले गुणा होता है फिर प्लस होता है, तो 5 3 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21, सिंपली हो गया यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड मास के रूल से ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंपली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अपन ऊपर वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ट्रिकी। अब इस क्वेश्चन में कोई दूसरा अगर 7 से विभाजित है, अगर कोई 13 से पूछ ले तो क्या होगा, तो कई लोग तो बता देते हैं कि याद कर लीजिए, पर कितनों का याद करोगे, याद करने का सिस्टम क्या होता है कि 100 तक जो संख्या होती है जो 7 से डिवाइड होती है वो 14 होती है, और 1000 तक जो संख्या होती है जो 7 से डिवाइड होती है वो 142 होती है। ठीक है, आप दोनों को माइनस कर दीजिए तो 128 आ जाएगा, क्योंकि 100 के बाद और 1000 से पहले की देखनी है अपने को, तो 128 हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कोई दूसरा नंबर दे देते तो क्या करते, तो इसके लिए एक बेसिक मेथड होता है, टाइम काफ़ी होता है, इसलिए उस बेसिक मेथड से जा सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, 100 में 7 का डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, 7 × 7 = 28, 14 पॉइंट कुछ आएगा, आगे के नंबर अपने को नहीं देखना है, वैसे 14.28 आएगा, देख लीजिए। ठीक है, लेकिन देखो अब इसको या तो 14 मान लेता हूँ या 15 मान लेता हूँ, फिक्स पूर्ण संख्या ही तो माननी है, तो मैं यहाँ पे 15 मानूंगा, क्योंकि 15 × 7 क्या आ रहा है, 105 आ रहा है, क्योंकि मेरे को तो 100 की बाद की संख्या ही देखनी है। अगर मैं इसको 15 से कम 14 मानता हूँ, तो वो यहाँ पे 105, 100 से कम संख्या आ जाएगी, तो वो मेरे काम का नहीं है, मेरे को तो 100 से 1000 के बीच में ही नंबर चाहिए। तो जो सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा 100 और 1000 के बीच में, वो आपका निकल के आ जाएगा 105। 105 एक सबसे छोटा नंबर है जो आपका 7 से डिवाइड होगा। अब आ जाइए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़े नंबर के लिए 1000 डिवाइड बाय 7 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 142.86 आ जाएगा। ये आपका सबसे बड़ा नंबर है जो यहाँ पे डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पे मैं 143 नहीं मानूंगा, 142 ही मानूंगा, क्योंकि 143 को मैं जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो ग्रेटर देन 1000 चला जाएगा, इसलिए मेरे को 143 नहीं मान के 143 में ही इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करते टाइम ध्यान रखना है कि 100 से ऊपर होना चाहिए, 1000 से कम होना चाहिए, तो 1000 से कम करते टाइम मैंने इसको 142 मान लिया। ठीक है, 142 × 7 में जब कर देता हूँ तो 994 सबसे बड़ा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड है 100 और 1000 के बीच में। अब सिंपली आपको नंबर निकालना है तो 994 में से 105 आप माइनस कर दीजिए, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 889 आ जाएगा। अब इसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए जो आपका 127 आ जाएगा।
इसमें जो नंबर होता है ना 994 और 105 में से एक ही काउंट होता है, इसलिए एक और काउंट करने के लिए एक इसमें जोड़ देते हैं और जो आपका आंसर आता है 128 आता है। फाइनल एक जोड़ना ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से जाएंगे तो चाहे 13 से डिवाइड वाला पूछ ले, 100 से 500 के बीच में पूछ ले, 100 से 10,000 के बीच में पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ईजिली इसको सोल्व कर पाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं, कितना याद रखोगे, 3 से पूछ लेगा, 4 से पूछ लेगा, 5, 10, 15, 20, 25, कहीं से भी कितने भी नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो और भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन रह गए, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, 600 किमी की उड़ान में एक हवाई जहाज को खराब मौसम के कारण धीमा किया गया, इसको छोड़ दीजिए आप लोग दीवार से, ये आप इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का शायद मैंने एक लेक्चर डाला है या टाइम एंड वर्क का डाला है, तो उसको देख के आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एक दीवार से सटी एक सीढ़ी के उत्थान कोण, उत्थान कोण एलिवेशन कोण, उत्थान कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो उसका पायदान दीवार से 4.6 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री है, ये 4.6 मीटर दिया हुआ है, तो ये आपको निकालना है। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के रूल, सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्री के रूल याद करने हैं। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई याद करनी थी, इजीली याद कर लो। ये देखो लंब है, ये आधार है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या फॉर्मूला लगता है, कुछ भी निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पे दिया क्या गया है। हिंदी और इंग्लिश में कुछ दिक्कत लग रही है मेरे को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वाली सेक्शन, द फुट ऑफ द लेडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वाल, द लेंथ ऑफ लेडर। अच्छा, सीढ़ी की लंबाई पूछी है, तो ये वाली पूछी है आपसे। ठीक है, हाइपोटेनियस पूछा गया है आपसे, तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। या तो देखो आपको बेस दिया गया है, तो कोस 60 का फॉर्मूला लगा दीजिए। कोस 60 डिग्री क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस होता है, बेस इसका 4.6 है, हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हाइपोटेनियस आपका आ जाएगा 9.2, तो इजीली यहां पे सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें देखो आप उलझना चाहें तो कितना भी उलझ सकते हैं, एफिशिएंसी ये वो पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन देखो मैं कितना आराम से इस क्वेश्चन को किसी ट्रिक से करेंगे। इसी टॉपिक को, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, इसी टॉपिक को ऑनलाइन क्लास में हमने बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे भी शायद एक वीडियो मैंने टाइम एंड वर्क का डाल दिया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो जहाँ से भी जो भी आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक परफेक्ट तैयारी चाहते हैं, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप ऑनलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही मामूली सी फीस है, ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से। हम लोग एक विजन वाले लोग हैं, हमें सेलेक्शन करवाना है आप लोगों का, तो हम लोग एक ऐसा सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट बना रहे हैं 100-200 स्टूडेंट्स का, जहाँ से हम लोग मैक्सिमम सेलेक्शन निकाल सकें। तो उस स्टूडेंटों के ग्रुप में आप भी आ सकते हैं, आराम से ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट पर चले जाइए, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर थे वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तीन लोग हैं। इसने बोला ए बी से दुगुना समय लेता है, तो कितना समय लेता है मैं कुछ मान लूँगा, या सी से तिगुना समय लेता है। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ मान लेता हूँ, साथ काम करते हुए वो कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं, 2 दिन छोड़ दो आप एक बार के लिए, मैं देखो मेरे हिसाब से निकाल लेता हूँ क्वेश्चन को। सी ने मैंने मान लिया 2 दिन लेता है, कुछ ही मान लो, 2 मान लो 1 मान लो 2 मानेंगे तो ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो ए उसका कितना गुना लेता है, 3 गुना लेता है, और बी से ए कितना गुना लेता है, 2 गुना लेता है, तो ये आधा ही होगा इसका। अब देखो तीनों का एलसीएम लेते हैं, मैंने बताया है आप लोगों को, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये एक दिन में एक काम करेगा, ये एक दिन में 2 करेगा, देखो 6 से 6 को डिवाइड कर दिया, 3 को 6 से डिवाइड कर दिया, 2 को भी 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 3 दिन करेगा। तो एक दिन में ये कितने काम करेंगे, 3, 2, 5 और 1, 6, तीनों मिलके, तो टोटल 6 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, टोटल काम को ये पूरा करेंगे एक दिन में। लेकिन ये एक ना हो कि अपने को क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो 4 दिन आ गया। कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे के अंदर क्वेश्चन निकाल दिया, कोई एफिशिएंसी का चक्कर नहीं, कोई 2a = ab नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल अपना निकल गया यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एक भूखंड को
18,700 रुपये में बेचने पर भूस्वामी को 15% की हानि उठानी पड़ती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे भूखंड को कितने दाम पर बेचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आराम से बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं जो मेरे तरीके से कराता हूँ उसी तरीके से बताऊँगा मैं। देखो 15% का मतलब मैं मानता हूँ 3/20, यहाँ पे फ्रैक्शन में ले लिया। हानि है मतलब 20 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 17 में बेच दिया इसका मतलब। और ये 17 ना होके कितना है, 187,000 है, ठीक है। तो 17 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 187 आ जाएगा और 00 आ जाएगा। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है कैसे मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड बाय 17 करके देख लो। देखो 17 × 17 और 1100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 11। इसका मतलब कितने में खरीद के लाया होगा, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ये जो अपना प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है ऑनलाइन क्लासेज में हो चुका है पूरा डिटेल के अंदर, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई बाय 1100 कर लिया तो ये आ गया 22,000 में ये लाया था। अब बोला कि 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। 15% लाभ इसका मतलब सीपी कितना होगा और एसपी 20 में लाया होगा और कितने में बेचा होगा, 23 में बेचा होगा। तो 20 को 22,000 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 1100 से। तो इसको भी 1100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब इसको आप 1100 से मल्टीप्लाई करोगे 253,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत इजी है, आराम से इधर उधर कर सकते हैं। बाकी जो लोग शॉर्ट ट्रिक से जाते हैं एक ही लाइन में करने की कोशिश करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी होगा, फास्ट यही होगा, अल्टीमेटली जल्दी आपको यही तरीका आंसर देगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे आपको नीचे एक बटन दिया गया होगा, ठीक है, उस बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन कोचिंग के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए जो वेबसाइट दी गई है वहाँ से विजिट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, बेस्ट टेस्ट सीरीज के लिए आप olivebor.in की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर जो एप्लीकेशन है उनका उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, और अगर आपकी आगे क्या डिमांड है हमारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।